सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो वाक्या है वो सबसे ख़तरनाक वाक्या था, वो मेरी हालत से पता लग रहा होगा। आज के बहुत से प्लान्स हैं, आज आपको लेके चलेंगे, लेकिन सबसे जो चीज़ हुई है कि 10 बजे पेपर था, फाइनल एग्ज़ाम था MBA का, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और 10:14 पे मुझे मैं उठाऊँ क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे भाई को कॉल कर दिया कि वो नहीं उठ रहा है। अलार्म्स वगैरह भी काफ़ी बज रहे थे लेकिन मैं नहीं उठा और पेपर मिस। सो गाइस, बाकी का सीन ये है कि अब जो है आज तो बॉयज़ वाली शर्ट सबने पहनी है, लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी, सब ने। तो ये है कि मेरी शर्ट तो गुम गई थी और मुझे फिर किसी से उधार मांगना पड़ा। आइडिया भी मेरा था, मंगवाई भी मैंने, सारा कुछ मैंने किया, मेरी शर्ट गुम गई। लेकिन स्टिल थैंक गॉड एंड टाइम पे MBA 1 का एक बॉय है, वो काम आया। और बस अब पिक्चर्स वगैरह लेंगे और अपनी ख़त्म होती हुई MBA लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ को, स्टूडेंट लाइफ को एक्चुअली को का फेयरवेल करेंगे और उसके बाद भी देखते हैं क्या सीन्स बनते हैं। बट स्टिल मैं अभी भी नींद में हूँ, मुझे समझ लग रही है मेरे साथ हुआ क्या है। उठते साथ चार मिनट में रेडी होके सीधा पहुँचाऊँ। और तुमने क्यों नहीं पहनी हुई? क्योंकि मैं गर्ल। ओ वुमन द ओनली गर्ल। तुम ऐसे मेरे पीछे वी बना के खड़ी हो ना, मैं यूं तो ठीक हो, ठीक है, फिर मैं गाना लगाऊंगी। एक सोसाइटी के काम के लिए मुझे अपनी द बॉयज वाली शर्ट चेंज करके रास्ते में तैयार होकर कुछ काम शाम से जाना था। देन वो रास्ते में काम शाम करने के बाद अब हम लोग जाने कुछ खाने पीने और फिर वहाँ से जाने मैकडोनल्ड्स। ओ हाल्स, तो वो खाने पीने वाली चीज़ मेरे माइंड में आ रही है तो इसलिए मेरे मुंह से निकला, बट नहीं, हम लोग जा रहे हैं जॉयलैंड उसके बाद फिर वापस से द बॉयज़ वाली शर्ट पहन के। सो गाइज, अब हम लोगों ने खाया है पराठा रोल और और इसने जो है वो खाई है कॉर्न, क्योंकि हमें अली ने ट्रीट दी है आज, ठीक है। इन लोगों को कॉर्न खिलाई है, मुझे खिलाया है पराठा रोल, ऐसे ही है। हाँ करो करो, गाड़ी गंदी करो, गाड़ी गंदी करो, फुल हैवी वाला करके। तुम्हें क्या लगता है ये इतना, ये छोटी सी है, इतना बड़ा मुंह खोल के बर्गर खाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ के बारे में। ये जो छोटी छोटी मतलब लड़कियां हैं उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये लोग नॉर्मली, ये लोग रोती भी बहुत ज़्यादा है, पता है ना, मतलब काफ़ी ना खुशगवार मौक़ों पर इनके रोने निकल आते हैं। जैसे कि अगर जोर लगे कहीं पर। तो ऐसे केस में भी रोना निकल आता, बट खैर अच्छा। सो गाइस, अब हम फिर से जाएंगे वापस से यूनिवर्सिटी, कपड़े चेंज करेंगे, द बॉयज वाली शर्ट पहनेंगे। गाइस एक और चीज, आपको एक पर्सनल बात बड़ी, अब आप लोग तो अपने ही हैं, ठीक है, फैमिली हैं, ठीक है, तो फिर आपको बता देते हैं। तो गाइस के साथ साथ वो एक बॉय जो कल रात को से पूरी रात जो है वो काफी देर से, ठीक है, मतलब पूरी रात नहीं, सुबह से बातें करता, सुहान से नहीं, वो जो कैरल से बातें करता रहा, वो कैरल से बातें नहीं कर रहा था, वो बेसिकली मुझसे बातें कर रहा था। चीटिंग 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 करता है तू, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आता था मेरे पास और मैं उसको रिप्लाई करता था और ये कॉपी पेस्ट करती थी। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। हाँ जी, तो अगर आपको प्यार इससे हो गया तो आपको प्यार इससे नहीं, मुझसे हुआ है। दड़ 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 दड़। ये ब्लॉग देखें और इनबॉक्स करें, ठीक है, अगर आपने इसको ऐलान तो लेके जाना तो इसकी जगह मुझे लेके जाए। क्योंकि लेट्स गो फॉर द डिनर। अब हम लोग जाने लगे हैं जॉयलैंड। बस ये करना, कल ये माइक हमने दिया था शे को, लेकिन शे ने समझा कि ये पॉडकास्ट है तो शे ने छोड़ा ही नहीं। ये माइक सही हो गया, वो देख रही है मुझे बहुत कातिलाना निगाह से। क्या हुआ? ये मुर्गियां पकड़ा दी।
ओहो अजीब जानवर है भाई यार, आ जाओ मर जाओ भूत। एक मिनट लेकिन चलते हैं हम शेर के पास, चलते हैं गालियां खाने के लिए। ठीक है शेर, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। शेर माइक ही लाया होगा। ले लो यार। ये क्या मुझे खटारा सा माइक दे दिया। इसने अभी लिए हैं ठीक है, और ये फिर खराब हो गए। अच्छा कल मैंने बहुत क्या था, आज मैं एंजॉय करना चाहती। लेकिन कल तुम्हारी देखो कितनी मेमोरीज बनी है। हाँ वो भेज भी देना यार। गाइस मैं कल बहुत बुरी गिरी थी तो, लेकिन ना कितनी काले लग रहे हम दोनों। ये तुम काले लग रहे थे, मैं तो अच्छा। तो ना फिर अब दर्द शुरू हो गई है। बाहर जी ले जाओ, हम जो पहले जा रहे हैं। पीछे जब आवाज आएगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है बाय। ओके सो गाइस, ये फिल्म बाज नखबा इलियास जो है वो हमारे साथ आ गई है। हमेशा फिल्म कराती हमेशा, लेकिन आज हमारे तकरीबन कोई सेकंड लास्ट या लास्ट प्लान में हमारे साथ ज्वाइन करने आ गई नखबा। ये ऐसा हो नहीं सकता कि सेकंड लास्ट हो, भी तो और बड़े प्लान करने हैं। लेकिन तुमने कौन सा आना है? नहीं मैं हर प्लान तुम इसने मिस करवाया, हर प्लान। सिर्फ द बॉयज वाली शर्ट पहन के आ गई है। ये देखो आ रही हो तुम, थोड़ी okay. सी हो वो भी खराब। तुमने ये लगाई ना, मुझे जैसा मर्जी तुम अच्छा बुरा लगा देते हो। मुझे जैसा मर्जी तुम अच्छा बुरा लगा देते हो। कैरल से तो आम प्यार करती है, कैरल को तो हर तरह से देखना चाहती है। कैरल प्यारी हो ना हो ठीक है, लेकिन कैरल सबको प्यारी लगती है, तैयार हो ना हो। तो इसके बाद हो सकता है जॉब मिल जाए। हाँ आइटम सॉन्ग या क्या पता कोई गाय मिल जाए। गाय ओ बकरा, ईद मुबारक गाइस। ठीक है इसकी ना जरा उर्दू इंग्लिश पे नहीं जाना आपने। ठीक है बस आ गई है ना, ये बहुत है। बॉय बोलो गाय क्या मतलब कि गाय लग रहा है। ये भी हम आपको बता दें, इसे ये भी टैलेंट है कि यूनिवर्सिटी में कैसे तैयार होने किसी ने सीखना होता है। और हर वक्त अपने बैग में चीजें रखा करें। हाँ। भला क्या क्या है मेरी गाड़ी में, ऐसी सारी चीजें मेरे स्पोर्ट्स का सामान मेरे, ये देखे ये सारा कुछ मिलेगा। और शेड्स भी है, क्या क्या फन होगा, क्या सीन होगा, पूरा व्लॉग गाड़ी में तो नहीं बना सकते। ठीक है उसके बाद भी जाना होगा। ओके सो गाइस हम लोग आ गए हैं जॉयलैंड, और ये आ गया यार ये शक्ल। हाँ 13 यू नो मेरा जो 13 प्रो मैक्स है तो ये भी इसकी मैंने पहनी। हाँ, यार बस होती है ठीक है, कोई अपने कपड़े भी पहन लिया करो। ये है कि मेरी शर्ट तो गुम गई थी और मुझे फिर किसी से उधार मांगना पड़ा। और गाइस मैं इसका फाइनल प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से, इसका भी और कैरल का भी। सर ने ये ब्लॉग देख लिया फिर तो, बस देख लिया तो देख लिया, एक महीने के बाद अपलोड होना वैसे भी करेगा। और फिर तो कोई नहीं, ग्रेड लग गई, ग्रेड लगने के बाद ही अपलोड होगा। एक महीना है अभी, अभी ट्रैवल व्लॉग्स अपलोड है। मैं भी बताता हूं आज क्या रहने थे यार, मैं देख रही, मैं इतना लगा था मैं सर वो पकड़ा गया उसमें। हां ये चीटिंग करते हुए प्रॉपर हैवी वाली पकड़ा गया था, क्योंकि इसको पता था कि पेपर में क्या आना है, इसको नहीं सारी क्लास को पता था। हर कोई अपना डॉक्यूमेंट बना के आया था, लैपटॉप में हमने डॉक्यूमेंट अपना रखा हुआ था, पर इसने क्या किया हुआ था, इसने वो जो डॉक्यूमेंट है किधर रखा हुआ ले आया। सर ने देख लिया, सर ने देखा कि जो पेपर आया और वो जो इसके पास है वो एग्जाम तो आउट हो गया, लेकिन सर ने समझा कि सिर्फ इसी के पास है। लेकिन तो गाइस फर्स्ट कप में हम लोग बैठ गए, ये अभी तो चल भी नहीं रहा और ये चला रहा था इसको। मैंने कहा मैंने पैसे दिए बट ये तो बहुत एक्स्ट्रा ही मेरे पैसे पूरे। अभी भी नहीं रहा, अभी तो चलना वो अलग चल रहा है और ये अभी चल रहा है, सारे बंद बैठे हैं। जोर नहीं है लेकिन वो देखो तीन लड़कियों को घुमा रही है। यू गो गर्ल। यार ये तो लोग हो गए, उतर जाओ मां, आगे भी उतर जाओ। जैसे कि सुभान ने वादा किया है कि कुछ खिलाएगा, आप देखते हैं क्या खिलाते हैं। ये तो ब्लॉग के एंड पे ही पता लगेगा है ना सुभान। पराठे रोल देखिए हम खा के आए हैं। हम
तुम लोगों ने भी इतनी बड़ी बड़ी मेरी उसमें से बाइट लिया, बोटी पता बहुत मजे का था, दिल नहीं किया वापस करने का, लेकिन हमने दिया मुझे वापस दिया। तो गाइस गाइस और गाइस हम आप लोग भी आ गए, इसको क्या कहते हैं, झूले को क्या कहते हैं, MBA 2023 झूले माया। तो ये गाइस बाहर भी है, बच्चों भी है, यो एक सेकेंड, यो अली द बीर। तो गाइज आपको बताना चाहेंगे जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं लिखा है, लेकिन शे की अंगूठी, गोल्ड की अंगूठी घूम गई है। गोल्ड की होना वाज नॉट लाइक मेन थिंग, लाइक वो तो अम्मा अब्बा को फील होता है, बट मुझे ये था कि वो मैंने बहुत पुरानी और हमेशा की पहनी हुई थी और अब नहीं है। और कितने सालों से पहनी हुई थी? और तुम चस्के ना लो ज्यादा। अवाम जानना चाहती है, हमारी अवाम ये देखने कमेंट हमारे लिए दुआएं आएंगी। 10 to 12 ओए ओए ओए, वो इमोशनल वैल्यू होती है ना, वो इमोशनल वैल्यू होती है। तो गाइस बाय माम, माइक में कुछ बोलो पॉडकास्ट, ये माइक मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे मेरी बहने दे। कैरल को गाइस बड़ी वॉमिट शॉमिट आ रही है, लेकिन कर नहीं रही, ठीक है पकड़ना। उस दिन भी मुझे वॉमिट हुई थी, पर तब मैंने पकड़ के उतारा था झूले से। अच्छा, क्या अपने ना वो दूध वाले को याद करते हुए जरा रो रही है इस टाइम पे, तो अगर वो दूध वाला आता तो मैं 7 अप डाल देती बीच में और मिक्स कर लेती, है ना, ऐसे कुछ था। ओके, सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खतरनाक वाली साइड पर, लेकिन ये लोग भी आज कुछ खतरनाक वाले सीन करने के मूड में नहीं है। गाइज 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 माहम इसके बाद लेने लगी है डिस्कवरी। नो नॉट एट ऑल, आज माहम को कन्विंस करना है कि माहम के लिए चैलेंज है, माहम के लिए और नहबा के लिए। नोप, माहम को अपनी जिंदगी प्यारी बहुत है। अच्छा आ रहा हूँ, डिस्कवरी ले रहा हूँ मैं, ये हम आपको दिखाएंगे। हंसू जो है वो जरा हंसू को डर लग रहा है। नहीं नहीं, इसमें डर नहीं लग रहा। डिस्कवरी, नो नो यार डिस्कवरी, ऐसे तो एक बंदा ढूंढो जो मेरे साथ बैठ जाए, डिस्कवरी पे बैठ जाऊंगा। सो गाइस बहुत चक्कर वाला, बहुत चक्कर आने हैं इसके बाद। ये कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दौरान राइड के दौरान लॉग नहीं बन सकता। माम बुखारी वॉमिट करने लगी और अगर वो करने लगी अभी भी। गाइस पायलट बोट में मैं वॉमिट करता शरता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ, देखूंगा तो मेरा खुद ऑफ हो जाएगा। गाइस आज हमारा उल्टी डे, पहले मैंने फिर तकबा फिर माहम, ये लड़की बड़े बुरे हालात इधर इन ये छोटी छोटी बच्चियों के हो गए, ठीक है, वॉमिट वगैरह करी, बड़ा दिल खराब होता है इनको देख के। बाकी जो है डिस्कवरी तो दूर की बात है, पायलट बोट में इन ये सारे ऑफ हो गए और ये साहब तो गए ही नहीं। मैं गया ही नहीं, मेरा दिल ठीक है ना, वो देखो ना उनका क्या हाल है। सही बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा मजे का तो बहुत था, तो थाउजेंड्स दफ़ा ले चुका डिस्कवरी, सिर्फ एक दफ़ा लिया हुआ है क्योंकि उसके अलावा कोई इतना बहादुर शाह दफ़ा मिला ही नहीं। तो जैसे हाइकिंग कर रहा था ना वैसे ही वो भी करनी है। आ जा, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं मैं तो नहीं जा रहा, तो जा दोबारा जा, किसी के साथ ही जाऊँगा ना आज, दूसरी दफ़ा जा अकेला जा। So guys, अभी आज का लास्ट है ऑक्टोपस और बस ये ओपन नीचे ना और आईडिया कम हो, इसके बाद स्लोली स्लोली चले, इसके बाद हम कुछ खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। यार ये क्या खा लेंगे हम, पिछला बाहर निकल रहा है वो पिछला, और वो देखो आधी बाम निकल गई है और हम 6 लोग रह गए 9 में से, भाई साथ आवाज भी जाती है। माइक लगा ना, माइक टेक करो पक्की बात। ओए भाई
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।